अमेरिका, जिससे भारत के बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे रिश्ते होने के दावे अभी तक किए गए हैं। दोस्तों किसने किसने ये दावे किए हैं शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारे देश की तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया भी शामिल है, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े अंधभक्त भी शामिल है, बड़े बड़े महाज्ञानियों से लेकर बड़े बड़े महारथी भी शामिल है। अब उनका नाम सबका मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है और जनता तो जनार्दन होती है, वो सब कुछ जानती है। तो अमेरिका की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले लोग अब अपनी जुबानें सिलकर बैठ गए हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर, जी हां भारत पर, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप है हत्या की साजिश रचने का आरोप। आपको याद होगा थोड़े समय पहले यही शब्द कनाडा की तरफ से भी सुनने को मिल रहे थे और यही शब्द अब अमेरिका से भी सुनने को मिल रहे हैं। बताया तो यह गया बीते दिनों कि कनाडा के साथ हमारे जो संबंध है वो लगभग लगभग बिगड़ चुके हैं, तो क्या आने वाले दिनों में अब अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध बिगड़ने वाले हैं? ये मैं क्यों कह रही हूं, किस खबर के आधार पर कह रही हूं और भारत पर क्या आरोप लगा है जिसकी वजह से सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटा। दोस्तों इस वक्त एक खबर बहुत चर्चा में है और खबर चर्चा में होनी भी चाहिए क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। थोड़े समय पहले निज्जर नाम के एक खालिस्तानी समर्थक, आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं खालिस्तानी आतंकवादी, जिसको घोषित कर दिया हमारे भारत की मोदी सरकार ने, कहीं ना कहीं उनको आतंकवादी घोषित कर लिया। उसके बाद अब एक और व्यक्ति जो कि खालिस्तान से ही जुड़ा बताया जा रहा है, उसको भी आतंकवादी घोषित हमारे भारत में किया जा चुका है, उसको मारने की साजिश रचने का आरोप भारत के एक नागरिक पर लगा है। ना सिर्फ भारत के नागरिक पर लगा है बल्कि आरोप यह भी है कि हमारे देश की केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी भी उसमें दोस्तों शामिल था, यह बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि रॉ, जो कि हमारी केंद्रीय एजेंसी है, उस रॉ को, खुफिया जो एजेंसी है दोस्तों हमारी, उस रॉ को ये बात बीते अगस्त महीने से मालूम थी कि साजिश रची जा रही है। ये इतने गंभीर आरोप जो है अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। पूरा मामला क्या है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो मामला मैं दिखा रही हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि क्या है मामला, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि विश्व गुरु जी, जिनका डंका बजने के बाद पूरे देश भर में हमारे देश के तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के पत्तलकारों की फौज करती रहती है, उन विश्व गुरु जी का डंका असल मायनों में बज रहा है या फिर नहीं बज रहा है, कहीं डंका फट तो नहीं गया है, यह आपको समझ में आ जाएगा इस खबर से। दोस्तों खबर है कि अमेरिकी अदालत में दाखिल अभियोग में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम यहां पर सामने आ रहा है। निखिल गुप्ता पर $1,00,000 कैश के बदले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया गया है। यानी भारतीय नागरिक पर यह आरोप लगा है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे हिटमैन का मतलब क्या होता है कि हम जिसको किसी के हत्या करने का ब्यौरा पूरा देते हैं, उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं दोस्तों, और उसके बदले कैश दिया जा रहा है उसको बकायदा, उसको हिटमैन कहा जाता है। तो एक हिटमैन बकायदा उसको चाहिए था हमारे देश में भारतीय नागरिक को, जिसका नाम निखिल गुप्ता बताया जा रहा है, और निखिल गुप्ता ने उस हिटमैन को सुपारी दी थी लाखों रुपए की कि भाई तुमको इस फलाना व्यक्ति को मार देना है, यानी हत्या कर देनी है। अब वो फलाना व्यक्ति कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूं। तो यहां जिसका नाम बताया जा रहा है दोस्तों, वो नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसका नाम बताया जा रहा है, वही वो नेता है जिसको नेता भी बताते हैं हमारे देश में। अगर बात की जाए गुरपतवंत सिंह पन्नू की, तो उसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है भारत की मोदी सरकार ने, या हम भारत की मोदी सरकार कह लीजिए, भारत की सरकार के द्वारा उसको आतंकवादी घोषित किया गया है। तो एक एजेंट ने निखिल गुप्ता की सभी गतिविधियों और बातचीत को रिकॉर्ड किया बाकायदा, और इसी के आधार पर यह मुकदमा दायर किया गया। क्योंकि निखिल गुप्ता जो कि भारतीय नागरिक बताया जा रहा है और जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची दोस्तों, उस निखिल गुप्ता ने, जी हाँ उस निखिल गुप्ता की सभी गतिविधियों को एक एजेंट ने रिकॉर्ड किया, और यह भी संदेह है कि वो एजेंट वही व्यक्ति था जिसको निखिल गुप्ता ने फिरौती दी थी, या कह लीजिए कथित तौर पर सुपारी दी थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के लिए।
तो ये बड़ा आरोप है, अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है जो कि इस वक्त लगाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जो तमाम रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था निखिल गुप्ता को, और निखिल गुप्ता के साथ साथ एक CC1 करके जो प्रेस रिलीज जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, उस प्रेस रिलीज में CC1 शब्द का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों CC1 का मतलब वो अधिकारी, वो भारतीय अधिकारी जो कि इस पूरी साजिश में संलिप्त था। अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका का कहना है कि वो जो अधिकारी था वो भारतीय अधिकारी है, भारत सरकार में इससे पहले वो बड़े पद पर रह चुका है और इसीलिए उसने ही ये सारा चीज प्लान किया, ये सारी चीजें उसने प्लॉट की। निखिल गुप्ता को वो समय समय पर जानकारी देता रहता था और निखिल गुप्ता ने वो जानकारी उस फलाना बंदे को दी जिसने जाकर सब कुछ अमेरिकी सरकार के आगे उगल दिया, ये कहा जा सकता है। और जब अमेरिकी सरकार को ये सारी चीजें पता चली तो बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी और भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची है। दोस्तों देखिए, अभी अगर इसकी बात की जाए तो पन्नू ने सार्वजनिक रूप से अलग खालिस्तान देश बनाने की इससे पहले भी अपील की है और वो अपील करता आ रहा है। कनाडा और भारत का मामला बीते दिनों आपको याद होगा, कनाडा ने भारत को लाल आंख दिखाई थी। दोस्तों भारत की मोदी सरकार ने यहां से वीजा बंद कर दिया, उसके बाद कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, कनाडा की तरफ से हमारे राजनयिक को वापस भेज दिया गया, फिर जवाब के तौर पर हमने भी उनके राजनयिक को वापस भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ये अदरा बदली का जो दौर है ये चल रहा था, जवाब पर प्रतिक्रिया जो है वो चल रही थी भारत की तरफ से भी, कनाडा की तरफ से भी। लेकिन पूरी दुनिया को भारत की मोदी सरकार ने यही दिखाया कि जो कुछ भी कनाडा की सरकार कर रही है वो खालिस्तानियों को समर्थन देने के लिए कर रही है। तो कनाडा की छवि तो देखिए वहां पर ये बन गई, लेकिन अब अमेरिका जो कह रहा है क्या उस पर हमारे देश की भारत सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो यहां पर खड़ा हो रहा है। देखिए अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक मई 2023 में अधिकारी ने, यानी भारतीय अधिकारी ने जिसका नाम नहीं लिखा है उस अभियोग में, लेकिन भारतीय अधिकारी उसको बताया गया है, यानी वो भारत सरकार में कोई अधिकारी है, उस अधिकारी ने निखिल गुप्ता को अमेरिका में हत्या करवाने का काम दिया। ध्यान से सुनिएगा, दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक है और भारत में ही वो रहते हैं। गुप्ता ने हिटमैन से संपर्क किया, हिटमैन मतलब मैंने आपको बताया वो शख्स जिसको रिश्वत दी गई कि भाई तुमको हत्या करना है, हत्या करने का काम दिया गया, तो उसने एक संपर्क किया जिसे वो आपराधिक सहयोगी मान रहे थे, वास्तव में वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक एजेंट था जिसको ये काम सौंपा गया और उसने जाकर मुंह खोल दिया किसके सामने, अमेरिकी सरकार के सामने, जिसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। और इसीलिए अभी इस वक्त हमारे देश की मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका जो सवाल पूछ रहा है, अमेरिका जो आरोप लगा रहा है, क्या आप उसको नकार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त पूछा जा रहा है हमारे देश की मोदी सरकार से। इसीलिए देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार इस पर जवाब देती है या नहीं। अब देखिए एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यह जो पूरा मामला सामने आया है यह भारत और अमेरिका के बीच क्या टकराव पैदा कर सकता है, यह भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या बड़ा संकट ला सकता है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है दोस्तों, क्या ये हमारे देश की सरकार के लिए एक झटका है या फिर एक झटका नहीं है, ये आपको देखिए बता देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो व्हाइट हाउस का यह कहना है कि अमेरिका ने इस हत्या की, इस साजिश के मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया और इससे पहले कनाडा ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि इसके मायने आखिर क्या है और भारत के लिए क्या ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए द डिप्लोमैट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, बीबीसी ने द डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि यह बिल्कुल साफ है कि दोनों में से एक पक्ष इस मामले को तूल नहीं दे रहा है और वो स्पष्ट रूप से भारत को बताया जा रहा है। लेकिन पन्नू की हत्या की साजिश पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया नरम रही और उसका लहजा सहयोग वाला है, ये ट्रूडो के आरोपों पर उसके आक्रामक रवैये से बिल्कुल अलग है। भारत ने जिस तरह कनाडा को फटकार लगाई थी उस तरह से वो अमेरिका को नहीं लताड़ सकता है। इसका एक साधारण कारण यह है कि भारत के भू राजनीतिक हितों के लिए अमेरिका कनाडा के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने इससे पहले सुना होगा दोस्तों कि
तमाम जितने अंधभक्त हैं उन्होंने कनाडा को पिद्दी जैसा देश बताया कि छोटा सा देश है, नागरिक भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे तेवर दिखा रहा है हमें जैसे बहुत बड़ा देश हो। लेकिन अमेरिका को तो आप उस नजरिए से नहीं देखते, अमेरिका को तो आप बड़े नजरिए से देखते हैं। तो क्या अमेरिका को भी अब आप पिद्दी जैसा देश बता देंगे, या अमेरिका की बातों को भी उसी तरीके से नजरअंदाज किया जाएगा जिस तरीके से कनाडा की बातों को किया गया था या आरोपों को किया गया था? देखिए, हमारे भारत पर अगर गलत आरोप लगता है बाहर की सरकार की तरफ से तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उस देश को, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत की मोदी सरकार को उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी या नहीं, और इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।